कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जरूर एक बार फिर दो दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा की है, लेकिन कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। शनिवार को मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में कोरोना के 75 से अधिक पॉजिटिव केस सामने आए। यह अब तक का जनपद में सबसे अधिक मामलों में से एक है। शनिवार को आए कोरोना के मरीजों को रेलवे अस्पताल में भर्ती किया गया, वहीं रिकवरी रेट में भी सुधार हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम न्यूज इंडिया में। इस वक्त आपके साथ शुभम कुमार गुप्ता। वैश्विक महामारी कोरोना का जो प्रकोप है वह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। जिस प्रकार से दो दिन की लॉकडाउन की घोषणा एक बार पुनः की गई है, अगर वहीं हम विभिन्न राज्यों के अलग अलग राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, बिहार के पटना की बात करें, तो वहां पर भी जो लॉकडाउन है वह 17 से 18 तारीख तक लगा दिया गया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार से मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, यह कितना गंभीर विषय बना हुआ है। इस समय हम आपको बता दें कि इस समय मैं मौजूद हूँ मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में, और जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ तो मैं स्वयं जो कोरोना के जो मरीज जिस स्थान पर रखे जाते हैं, जिस हॉस्पिटल पर रखे जाते हैं, उस कैंपस में हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस की जो गाड़ियाँ हैं वह धीरे धीरे मरीजों को ला रही हैं। अगर आज की बात करें तो ऐसी खबर मिल रही है कि आज जो है एक तरीके से कहा जाए तो कोरोना का जिले में विस्फोट हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि आज 75 से अधिक जो कोरोना के पेशेंट है वो मिले हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मास्क लगाइए, क्योंकि मास्क की बात की जा रही है, दो गज दूरी की बात की जा रही है। और अब तो उत्तर प्रदेश प्रशासन ने मास्क की जो जुर्माना राशि थी वो भी 100 रुपये से बढ़ा करके 500 कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ ही विभिन्न जिलों में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है, यह एक गंभीर विषय बना हुआ है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।